45 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल। सुनकर जाहिर है आपका दिमाग चकरा गया होगा, क्योंकि ये सुनने के बाद एक सपने की तरह ही लगता है। लेकिन मोदी सरकार इस सपने को भी हकीकत में बुनने जा रही है। पेट्रोल और डीजल की बेलगाम बढ़ती कीमतों से आम लोगों की ये परेशानी दशकों से है। इस परेशानी से भी अब मोदी सरकार आम लोगों को निजात दिलाने जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। अगले साल मोदी सरकार एक बार फिर से कठिन फैसले लेकर पेट्रोल और डीजल की बेलगाम कीमतों पर ताला लगाने जा रही है। मोदी सरकार के इस फैसले से 25 रुपए प्रति लीटर तक देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा, जिसमें लोग 45 रुपए तक 1 लीटर पेट्रोल खरीद पाएंगे। मौजूदा वक्त में दिल्ली में पेट्रोल 69.81 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 59.47 रुपए प्रति लीटर की दर पर मिल रहा है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से निजात दिलाने के लिए इसे GST के दायरे में लाने की सिफारिश कर चुके हैं। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ये साफ कर दिया है कि सभी राज्यों की सहमति के बाद इसे GST में शामिल किया जाएगा। मौजूदा वक्त में 19 राज्यों में NDA की सरकार है, ऐसे में संभव है कि बाकी राज्य भी मोदी सरकार के इस फैसले का साथ देंगे। GST के दायरे में आने के बाद पेट्रोल डीजल पर 28% टैक्स लगाया जा सकता है। ऐसे में हर सूरत में पेट्रोल और डीजल की कीमत देश भर में काफी सस्ता हो जाएगा।